हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डेरी मिल्क चॉकलेट और ओरियो से बना ये ब्रेड का केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने दो डेरी मिल्क ली है, तो इसमें हम डालेंगे आधा बाउल व्हिपिंग क्रीम, साथ में डालेंगे दो चम्मच चॉकलेट सॉस, और हम डेरी मिल्क और चॉकलेट का क्रीम रेडी करेंगे। इसे बीट करेंगे अच्छे से। देखिए डेरी मिल्क का क्रीम रेडी हो चुका है, इसे साइड पे रखेंगे। और यहाँ लिया है एक बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क, साथ में लिया है आधा बाउल मिल्क। इन दोनों को मिक्स करेंगे और ये हम स्वीट मिल्क रेडी करेंगे, इसे भी साइड पे रख देंगे। और यहाँ लिया है एक बड़ा पैकेट ओरियो का, जो वेनिला ओरियो आता है वही है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करेंगे, छोटे पीस करेंगे इसके, और इसे भी साइड पे रखेंगे। और यहाँ ली है 8 स्लाइस ब्रेड की मैंने, जिसके हम ब्रेड के सारी ब्रेड के कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए, और इसे फेंकेंगे नहीं, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ अब यहाँ कटोरी ली है, इसके ऊपर आप कोई भी प्लेट रख दीजिए। और इस पर दो ब्रेड अरेंज की है मैंने, और जो हमने स्वीट मिल्क रेडी किया था उससे ब्रेड को सोक करेंगे, ताकि ब्रेड में भी टेस्ट आ जाए मिल्क का और ब्रेड मीठी हो जाए। फिर ये डेरी मिल्क का क्रीम लगाएंगे ऊपर, अच्छे से इसे फैला देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने ओरियो के टुकड़े करके रखे हैं पीस करके, वो सारे फैला देंगे। अब वापस दूसरी दो ब्रेड रखेंगे, अब वापस सेम प्रोसेस करेंगे, मिल्क पहले और फिर ये डेरी मिल्क का क्रीम। इसी तरह से सारी प्रोसेस करेंगे और सारे स्टेप करेंगे। और यहाँ मैंने टोटल 8 ब्रेड का यूज़ किया है। ये लास्ट ब्रेड है, इस पर भी इसी तरह से करेंगे। देखिए अब इसे हम साइड से फिनिश करेंगे, साइड पे भी हमारा क्रीम लगा देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। देखिए इसे फिनिश कर देंगे और फिर वापस ओरियो के क्रम्स लगाएंगे साइड पे बॉर्डर पे। और फिर आपके पास जो गार्निश का सामान हो उसे गार्निश करके एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।